हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। कृष्णा इटावा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, तो आप 11 क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके रेड बटन को दबा दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके नेक्स्ट वीडियो की, जिससे कि मैं अपलोड करते रहता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन, छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहते, जैसे कोई मेडिकल एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, और इसमें से करीब करीब 30% चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि मैंने ये मेडिकल एग्जाम दिया है, इसलिए मैंने अनुमान लगाकर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा है। और मैं भी अभी मतलब एडमिशन ले चुका हूँ जिसमें आप सोच रहे हैं लेने की, इसलिए मेडिकल कॉलेज में भी हूँ। इसलिए गाइस, मैं आप लोगों की मदद करने चाहता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज का तो चलते हैं बायोलॉजी टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक था मेरा, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में छोड़ दिए थे, अब 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, जो आप लोगों को अभी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इलेवन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है उभयलिंगी, जिस पे अभी हमको दिखाए हैं। उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? उभयलिंगी, तो आप लोग उभयलिंगी से समझ रहे हो क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रहा है मुर्गी, और बी ऑप्शन दे रहा है सांप, और सी ऑप्शन दे रहा है ए और बी, और डी ऑप्शन दे रहा है कछुआ। तो आप अंदाजा लगा के जल्दी बताइए ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस, यहाँ का आंसर हो सकता है डायरेक्ट ये कछुआ, क्योंकि ये उभयलिंगी प्राणी होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये उभयलिंगी प्राणी होता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आंसर भी आपको पेश करा देता हूँ। हाँ, उत्तर बिल्कुल राइट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 की आपको देख सकते हैं, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु मतलब जो अंडाणु होता है उसमें निषेचन होता है, किसमें होता है? योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, या सी ऑप्शन अंडाशय में, या फिर डी ऑप्शन ग्रीवा में। तो गाइस, यहाँ पर ऑप्शन ये है ए और बी, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। तो सी यहाँ पर ये कंफर्म है कि ये तो नहीं हो सकते। तो ऑप्शन क्या ले गया है? लास्ट वाला है, ग्रीवा नाल में। तो गाइस, यहाँ पर आपको दिखा दें उत्तर भी ग्रीवा नाल, तो इसका ऑप्शन सही है। तो आप जल्दी से नोट करते रहना, और इसकी PDF मैंने डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो उसे डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। वीडियो भी देखें, PDF भी देखें, और नोट भी करें, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिल सके और रिवाइज करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अंड प्रजनन है मुर्गी में ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन सांप में, और सी ऑप्शन मगरमच्छ में, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको हम दिखा सकते हैं, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे हिसाब से लगता है इसमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंड प्रजनन, अंडा मतलब अंड मुर्गी में अंड प्रजनन तो नहीं होता है, मतलब और सांप में भी नहीं होता है, तो इनमें से मगरमच्छ में तो 100% नहीं होता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम आपको बिल्कुल ऑप्शन भी दिखा देते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अग्रपुंज मतलब एक्रोसोम पाए जाते हैं, ये ऑप्शन है ए, आपको हम दिखा रहे हैं ए ऑप्शन, शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में, या युग्मनज में। तो आप गाइस, यहाँ पर ये सोचना है ए शुक्राणु में, बी अंडाणु में, अंडाशय में, और युग्मनज में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन होगा शुक्राणु, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा शुक्राणु, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर हम आपको आंसर भी दिखा देते हैं शुक्राणु में। ऐसा आपको कोई वीडियो में नहीं बताया जितना कि आपको मैं क्लियर पढ़ा रहा हूँ। अभी तो नई नई वीडियो है, आपको अच्छे से धीरे धीरे और HD वीडियो बनाने लगूंगा, जिससे कि आपको और अच्छी मदद मिले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर चलते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, इस पर लिखा है भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूण पोष मतलब जो भ्रूण होता है, जिसमें थे शायद आपने पढ़ा होगा N और 2N होता है, जिससे बनते हैं ऐसे ही भ्रूण पोष होते हैं। आपको NCERT की बुक में हमको बाद में और एक टॉपिक भी बना देंगे, उस पर आपको सारा कुछ बता देंगे। और कमेंट में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, जरूर बताएं। तो ये ऑप्शन है N, और सेकेंड ऑप्शन है 2N, और थर्ड ऑप्शन है 3N। तो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए और बी,
ए एंड बी, इनमें से मतलब ये दोनों, तो आप किस इसमें से कौन सा सही हो सकता है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकता है 3N, क्योंकि यही होता है जो कि ब्रूट फोर्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं निम्नलिखित में से बीजाणु का भाग नहीं है, एटेंगलमेंट में और न्यूसिलस में और चेलेजा में या फिर डी ऑप्शन एंडोथेलियस में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आने की संभावना है 100%, इसलिए प्लीज़ इसे नोट कर लें और इसे भी नोट कर लें, 100% चांस हैं ना। आप लोग बाद में कहें कि बताया नहीं सर ने, तो आपको इसमें आंसर होगा 16 का ये वाला ऑप्शन एंडोथीसियम। यहाँ पर हम आपको दिखा दें एंडोथीसियम, आंसर भी एंडोथीसियम ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन एस्ट्रोजन के द्वारा या फिर LH के द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर होगा सेकंड LH। यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं, अभी देखो यहाँ पे LH के द्वारा, क्योंकि शुक्राणु जनन LH को होता है। LH का फुल फॉर्म भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहरहाल मैं आपको बिल्कुल क्लियर में बता दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, इनमें से मतलब निम्न में से किस में जाल परागरण होता है? निम्न में से, इस क्वेश्चन में डाउट लगता है क्योंकि इसमें मुझे 100% चांस लगती है कि आने की कुल मिला के, क्योंकि इसमें मुझे डाउट लगता है, कल मैं पूछ के आपको बताऊंगा। इसमें अगर आप लोगों को सहमत है कमेंट करके जरूर बता दें। 18 क्वेश्चन, इसका मुझे आंसर चाहिए आंसर, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें आंसर है जलकुंभी, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। तो आप लोग जल्दी आंसर का वेट कर दें, तो कमेंट जल्दी करें फास्ट, तो आप भी ये देखेंगे कौन कौन आप मेरी वीडियो देखता है, और कमेंट कर और सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि हमें पता लग जाए, और आपका नेम भी लिख देना। अब चलते हैं 19 नंबर वीडियो पर, गेमिडस के युग्मक को कहते हैं गेमिडस। आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि मैंने तो पहली बार सुना है। तो 19 नंबर का है, इसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पर परागण और सिनगेमी परथेनोजीसिस और स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर आंसर कुल मिला के क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिनगेमी होगा आंसर, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिनगेमी। यहाँ पर आपको हम टिक लगा के दिखा दें बी ऑप्शन, जल्दी से नोट कर लीजिए, आने की 30% चांस है इसके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 20, यहाँ पर 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस फल में बीज चोर खाया जाता है? मतलब किस फल के बीज में चोर खाया, मतलब अब तुम्हें मेन इम्पोर्टेंट आप आपको और जायका लीजिए शरीफा, इनमें से सभी, मतलब इसका है कि कौन से फल में बीज खाए जाते हैं, इसका मतलब ये है चोर का मतलब इसका। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, एक जायफल, लीची, शरीफा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल फिलहाल ये तो सबको ही पता है नॉर्मल कि लीची एक ऐसा मतलब जिसमें चोर खाया था, सॉरी मैं तो उसमें भूल गया था, सॉरी भी कल पढ़ रहा था उसकी, चलो सॉरी कोई बात नहीं, इसे नोट कर लेना। और आपको उत्तर भी इसमें दिखा देते हैं, इसमें लीची है और इसका भी नहीं है। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ, ब्रूड पोस में उत्पत्ति किसके होती है, किससे होती है ब्रूड पोस की उत्पत्ति? पराग नलिका, लघु बीजाणु धनी से या फिर गुरु बीजाणु से? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा गुरु बीजाणु से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी हम बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, एंडोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एंडोमोफिली 50% आने के चांस है, चिड़िया में, चमगादड़, हवा और कीड़ा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से होगा यहाँ पर कीड़ा, ऑप्शन बिल्कुल सत्य है कीड़ा, यहाँ पर आपको दिखा भी सकते हैं कीड़ा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर जिब्रेलिन, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, कुल मिला के इसके 50% चांस रहते हैं कि मेडिकल एग्जाम में आने के।
क्योंकि मैंने भी दिया है, और वो भी सरल क्वेश्चन है, तो इसमें रिपीट करते रहना। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो मैं PDF भेज रहा हूँ उसे आप डाउनलोड करके उसे रिवीज करते रहना, थोड़ी बहुत आपको मदद मिल जाएगी। ये तो 100% गारंटी नहीं देगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन चैनल है, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, सपोर्ट देंगे आपको जो भी चाहिए। अगर आपको नहीं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं करवा दें, तो आप गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते रहें, 100% सिलेक्शन करवा दूंगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। नहीं भी स्वाद है, आप प्रोफाइल चेक करके मेरा ID देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी मैंने कहा, मैंने बता दिया नहीं बताया, तो हारमोन्स में या तना में या वृद्धि एंजाइम में, या इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, वो तो सबको पता है कि जिब्रेलिन किस में होता है। जिब्रेलिन जल्दी गाइस बताइए, हारमोन्स में। अब चलते हैं उत्तर, इसमें दिखा दें आप लोगों को, डाउट होगा। हारमोन्स में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? सर्टोली, यकृत में, शुक्रजन नलिका, हृदय, या फिर अंडाशय में। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन शुक्रजन नलिका। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुक्रजन नलिका में, शुक्रजन नलिका, याद रखिए हमेशा और रिवाइज करते रहना। और आपको 25 क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन, गेमिट निर्माण हो को कहते हैं, गेमिट निर्माण को कहते हैं, गेमिट। तो गेमिट को फिलहाल तो सबको ही पता है, गेमिटोलिजिस, या फिर सायाकोकाइनेसिस, स्पेरोजेनेसिस, या फिर मायोसाइटस, साइट। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना चाहता है कि इससे और थोड़ा इससे, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ऑप्शन पहला है, इसलिए थोड़ा बहुत तुक्का भी काम कर जाएगा आपका। और आपको हम सब कुछ समय पे आपको बिल्कुल प्रोवाइड करते रहेंगे, PDF प्रोवाइड करते रहेंगे, और एन टाइम पे आपको ऐसा मंत्र भी दे देंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या लिखा है यहाँ पर, आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से किसके कॉपर टी रोकता है? निम्नलिखित में से किसके कॉपर टी रोकता है? निषेचन, आरोपण, अंडोसर्जन और वीरपतन। तो यहाँ पर हाल फिलहाल सबको पता है कि कॉपर जो है वो निषेचन को रोकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है, गर्भाशय, क्योंकि मतलब गर्भाशय होता है ना, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो आप लोगों को पता ही होगा गर्भाशय क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, योनि या जन्मनाल, अंडाशय, या फिर कहीं नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा वो, हाँ, योनि में, बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा ताम्र मोचक IUD 100% ये 19 में आया था, मैंने खुद देखा है। LNG लिप्स ब्लू कॉपर टी, या फिर प्रोटी जसपट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य होगा, इसमें कौन सा है, कॉपर टी। जल्दी कर लीजिए जिससे कि आपको नोट्स फिर बाद में धीरे धीरे करते ना, मैंने PDF पूरी डाल दी। अब क्वेश्चन 19 की तरफ चलते, 29 की तरफ चलते, सॉरी। माला डी क्या है? बुखार की दवा, या गर्म नोदक गोलियां, या विटामिन की गोलियां, या फिर जॉन डिक की गोली। तो माला डी क्या होता है सबको पता है, आपको पता है, समझ गए हो, गर्म नोदक गोलियां होती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी गर्म निरोधक गोलियां हैं? संगनी, सहेली, सहिवनी और सुहानी। तो इसमें आपको पता ही होगा कि सहेली, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें आपको सपोर्ट मिले, हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको हौसला मिलता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को व्हाट्सएप पे और तमाम जो मतलब सोशल मीडिया है उस पर शेयर करें। तो और बता दें, और मेरा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, जो कि इंफॉर्मेशन और आपको अधिक जानकारी के लिए
संपर्क कर सकते हैं, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मतलब मैं नाइट में बताता हूँ ना इसलिए। ओके बाय, मिलते हैं कल वीडियो में नेक्स्ट।